हेलो हेलो ये सर, मैं आकाश देश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए आकाश। सर मुझे ये जानना था कि प्रोसेस जो है अकाउंटेंट की, जो रिक्रूटमेंट का, ये थोड़ा प्रोसेस क्या है, अभी कितना आगे बढ़ा है सर? डोजियर आ गए आपके पास? नहीं, अभी सारी जगह से नहीं आई है डोजियर सर। एक्चुअली आकाश, मैं छोटी बात पूछना चाहता हूँ। मेरे पास आई हैव रिसीव, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं आप लोगों के। आप लोगों ने कोई अपना ग्रुप भी बना रखा है कोई? सर ग्रुप तो सर है, पर लिसन, मेरी बात तो सुनो जी सर। मैं इसको तुम्हारे हर पार्ट का, मैं बात का क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ, चिंता मत करो जी सर। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इतनी कॉल ना आए ना, देखो हमको भी काम करना होता जी सर। अगर मैं कॉल में ज्यादा टाइम, अगर आपका ग्रुप है, अगर जो आप क्वेरी रेज कर रहे हो मेरे से, जी सर, अगर अपने ग्रुप में डाल दो तो उससे क्या होगा कि सभी के पास आंसर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर। उससे क्या होगा कि हमारे पास भी थोड़े कम कॉल आएंगे। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ दीप, और कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें, यही समझाना चाहता हूँ। जी सर। तो मतलब कि जो मेरे से बात हो रही है, अगर आप से ग्रुप में डाल दो तो प्रॉब्लम बहुत सारी हमको कॉल का आना पड़े, क्योंकि अब आप सोचो कि अगर आप काम कर रहे हो और यू आर बिजी, सडन कोई कॉल आती है तो आपकी कंसंट्रेशन टूटती है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। और आपको जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई सिस्टम है, आप लोगों का ग्रुप बना रखा है, तो बेटर टू सर। हाँ अब बताओ दीप, क्या चाहते हो आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि कौन से रीजन के आपके पास डोजियर नहीं आए, क्योंकि सर हमने जब RTI फाइल करी थी SSC, तो सर वहाँ से पता लगा कि सभी रीजन ने अपने डोजियर भेज दिए हैं। अच्छा अच्छी बात है। बस मिस्टर दीप, अब आपको मालूम है कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है दिल्ली के अंदर? तो आप दिल्ली में ही हो, कहाँ पर रहते हो? मैं CBI में काम करता हूँ, दिल्ली में। CBI में? जी। अब तुम जानते हो सर दिल्ली में क्या, आपके ऑफिस में सभी लोग आ रही है? सर सभी नहीं आ रहे, बट हमारी तो सर ड्यूटी है ही कॉन्स्टेंट। मैं डजंट मैटर था, उसकी बात नहीं कर रहा। मेन बात यह आती है कि सभी आ रही है क्या? जी मैं इसी तरह से, यही प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। जी वी आर नॉट कॉलिंग ऑल द पर्सन इन दिस ऑफिस, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रोक से बड़ी 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई है, तो हमारी खुद से ऑकवर्ड सिचुएशन हमारे लिए। जी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को डोजर की हम उसको सप्लाई कर सके। जी ठीक है। नॉर्दर्न रीजन के हमारे पास रह गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली सर बात हुई है सर, वो भी सर आज ही कल में आ जाएंगे हमारे पास। जी सर। ठीक है, आप नेक्स्ट पूछो। सर सर डोजियर आने के बाद सर कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जब डोजियर आते हैं उसके बाद हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं। अच्छा, स्क्रूटनी से मतलब आप CBI के पास से समझ सकते हो? जी जी जी। आपने आपने किसी से इन्फॉर्मेशन मांगी, उसने जब आपको दी जी, तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई करते हो कि कोई ऐसी कोई चीज तो जो गलत आ रही है आपके पास? सर समझ रहा हूँ मैं सर। तो सर उसमें सर आप कितना टाइम लेंगे? तीन हफ्ते चार हफ्ते? फिर वही बात हो रही है, जब आपको पता स्टाफ कितना आ रहा है उसका भी प्रॉब्लम आती है। अगर सोचो सिचुएशन फिर खराब होगी तो मैं आपसे बोलूँ कि कल हो जाएगा काम, वो कल नहीं हो पाएगा। आप एक समझदारी से आप खुद समझ सकते हो मेरी बात को, इसमें आंसर नहीं दे सकता कि मैं कब तक कर दूंगा। हमको हर रिकॉर्ड को वेरीफाई करना है जो SSC से आया है, हमने उसकी फोटो देखनी है, उसके जो कागज लगे हैं वो सारे कागज हैं कि नहीं, ठीक है ना? जी सर। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ आ रही है? जी सर समझ रहा हूँ मैं। हाँ और तो, बताओ नेक्स्ट। सर इसके बाद सर जब आप लोग की साइड से एलोकेशन वगैरह कम्प्लीटली आप ही के साइड से होगा, मिनिस्ट्री का और स्टेट का, कि सिर्फ मिनिस्ट्री का? खाली मिनिस्ट्री का करते हैं, स्टेट का नहीं करते। अच्छा, तो सर मिनिस्ट्री का एलोकेशन सर आपका प्रोसेस क्या है करने का? वो हमारा तरीका होगा, उसको फोर्स को अप्रूवल ली जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। जैसे आपके पास कोई फाइल आती है जी, उसको किस तरह से करना आगे क्या लेना, तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है ना आपके हायर ऑफिसर, वो डिसाइड करती है। ठीक है सर। एक्चुअली सर इट्स ऑलरेडी हमें 3 साल हो चुका है इसी सीजर 18 के, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि आपको 3 साल हुए, 10 साल हो चुके हैं। सही है। और सर डजंट मैटर, अगर मेरे पास जब चीज आएगी मैं तभी से मैं बात करूंगा, आज मेरे पास आई है तो मैं कहूँगा आज फर्स्ट डे है मेरे लिए तो। जी जी जी। और सर सेकेंडली चीज ये भी है कि बहुत सारे ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में तो ज्वाइनिंग लेटर भी इशू कर दिया। लिसन नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक सिंगल मिनिस्ट्री है। जी सर। सीजर ऑफिस 38 मिनिस्ट्री के लिए एक साथ काम करते हैं, 38 मिनिस्ट्री के लिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ वो खाली सिंगल मिनिस्ट्री, दे आर सिंगल मिनिस्ट्री। हम जो सीजे हैं 38 मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं, ये इज द डिफरेंस। जब एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है फिर तो काम इजी होता है उनके लिए। समझ रहे हम 38 मिनिस्ट्री को हम एलोकेट करेंगे, वो पोस्टल के, वो एक ही मिनिस्ट्री है उनकी, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन
वो एक मिनिस्ट्री है, ये है प्रॉब्लम। इसलिए आप सोचते कि वहां पर आ गया इधर नहीं आ गया, वो एक मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, हम 38 मिनिस्ट्री को हैंडल करेंगे। हमारे पास डोजर ज्यादा आते हैं कंपेरेटिव टाइम जी। और बताओ खुद ठीक है सर, मैं बाकी किसी ग्रुप में अगर होगा तो मैं क्वेरी भेज दूंगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अब आप ब्रीफ नहीं करोगे, मैं सर मेरे को अभी तक 10-12 फोन आ गए हैं सुबह से आप लोगों के। अब आप सोचो कि मैं काम कर पाऊंगा, नहीं आप तो मैं कितना टाइम दिया आपको मैंने इस वक्त? जी बिल्कुल सर। अब कोई भी बंदा अगर जिसके फर्स्ट टाइम जॉब लग रही है, आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, उसको कितनी खुशी हो रही होती है जी सर। अगर मैं उसका बदतमीजी करूं या गलत बोलूं उसे कैसा फील होगा? जी सर। तो मुझे उसके साथ ही प्यार से बात करनी। और कितना टाइम लगता है आप देख रहे हो? जी सर। अब मैं सोचो मैं कितना काम कर पा रहा हूँ, अब आप सोच सकते हो। जी सर ठीक है ना। ठीक है सर, मैं कुछ आपस में कोऑपरेट करो, हम आपस में बता देंगे किसी ग्रुप में, अगर होगा तो मैं बच्चों को भी बता दूंगा, फॉरवर्ड कर दें कि ऐसा है। ठीक है सर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक दो कॉल आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको हैंडल, बड़ा खुशी मिलती है यार, नए बच्चे आ रहे हैं, न्यू जनरेशन जॉब ज्वाइन करी, अच्छा लगता है। पर अगर सोचो कि मेरे पास कितनी, मैं 10-12 कॉल अभी तक बता चुका और ये शाम तक होते हुए 40-50 कॉल हो चुके होते हैं। फिर मैंने ये सोचा यार किसी कोई समझदार इंसान आता उससे बात करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली कल किसी ने मुझे बोला था कि हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है, तभी मेरे दिमाग में आएगा अगर वो टेलीग्राम में ग्रुप है वो क्या करते हैं, दे हैव टेकन वन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड, वो टेलीग्राम में डाल दी, फिर नेक्स्ट पर्सन को कोई क्वेरी हो रही है फिर वो क्वेश्चन पूछता है। तो नॉर्मली क्या होता है इसमें प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है मुझे पास। ठीक है सर, मैं अपनी साइड से मेक श्योर करता हूँ कि ये अगर टेलीग्राम कोई ऐसा ग्रुप है तो वहाँ पहुँच जाए, पहुंचे डेट आपको। जी आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश जितनी जल्दी हो सके वी विल डू आवर वर्क, क्योंकि डोजे रख के मुझे तो कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मेरे ऊपर हर रोज की प्रॉब्लम है, रात को जाते वक्त सोते वक्त ये सोचना पड़ता है डोजे रहे, कोई भी चीज फट गई या कोई उठा के ले गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल सर ठीक है ना। तो ठीक है सर, दीप सुबह आगे इसको सोचना, आगे करना है इसको फिर। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर।